बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, सिख समुदाय की लड़की को मुस्लिम समुदाय के लड़के द्वारा प्रेम प्रसंग के चलते भगाकर ले गया था, जिसके चलते लव जिहाद को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की तादाद में आकर कलेक्ट्रेट का किया घेराव। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर लड़की बरामद नहीं की गई तो करेंगे हाईवे जाम। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। शाजापुर से गोविंद अवस्थी की रिपोर्ट। क्या बजाई थी? ये एक लड़की है जो थाना निगोही क्षेत्र की रहने वाली है और उसी थाना क्षेत्र के एक लड़के के साथ 15 तारीख से घर से निकल गई है। इस पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें जो भी अब तक जिनका भी रोल इसमें समझ में आया उन सबको गिरफ्तारी भी उनकी हुई है। साथ में हम लोग बिल्कुल जितने भी डिजिटल एविडेंसेस हैं उसके आधार पर कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और जो बच्ची है उसके परिवार वालों को भी लगातार इस कार्रवाई से अवगत भी करा रहे हैं। प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यवश अब तक हम लोग ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच पाए कि हम लोग एग्जैक्ट उनका लोकेशन ट्रेस कर पाए, लेकिन हमारी ओर से लगातार प्रयास जारी है और हमें विश्वास है कि हम लोग जल्दी ही इसको बरामद करेंगे। लगातार सिख समाज और ये बजरंग दल वाले यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं बरामद हो पा रही लड़की? पुलिस देखिए अपना काम करती है, ठीक है। अभी एक थाना सदर बाजार में ऐसी ही एक घटना हुई, हम लोग 8 घंटे के अंदर दोनों को बरामद कर दिए। तो प्रयास पुलिस में कहीं कोई कमी नहीं रखती है, लेकिन यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि उनके ड्रेस मिलने में किसी समस्या आती है, तो उसका किया जा रहा है। जो भी हमको लीड्स मिल रहे हैं उसके आधार पर हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारी टीमें जैसा ये बता रहे हैं, ये केवल कहानी नहीं है, ये कम से कम यहाँ यूपी में, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और गुजरात में, इतनी जगहों पे हमारी टीम गई और जो भी इसके कॉन्टैक्ट थे वहाँ पे उन सबको लाया गया। 18 आदमी लाए गए इंटरोगेशन के लिए और इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि उनका कहाँ लोकेशन हो सकता है जानकारी करें। हम लोग पूरा प्रयत्न इसमें कर रहे हैं और विश्वास है कि जल्दी ही इसका